हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस यूट्यूब वीडियो पर। घर की इस दिशा में फूल कर भी ना रखें तुलसी का पौधा, वरना हो जाओगे कंगाल, घर में आ जाएगी गरीबी। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि किस दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो घर की दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर हम दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा स्थापित करेंगे तो जो पॉजिटिव परिणाम हमें मिलते हैं वो परिणाम नहीं मिलेंगे, सब कुछ नकारात्मक ही होता चला जाएगा। घर के लिए ये एक अशुभ दिशा मानी जाती है, तो इस दिशा में आप तुलसी के पौधे को कभी भी स्थापित ना करें। और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में ना तो पानी दें और ना ही इसकी पूजा करें। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। तो रविवार के दिन ऐसा ना करें। शास्त्रों के अनुसार आपके घर में जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात माँ महालक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। जो व्यक्ति सही तरीके से माँ तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल कर लेता है तो सदैव के लिए माँ महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी की पूजा करने के कुछ नियम होते हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी माँ तुलसी की पूजा सफल मानी जाती है। तो वो नियम क्या है वो जानते हैं। नंबर एक, रोजाना अगर आप सुबह उठते ही तुलसी माँ के दर्शन करते हैं और उनके आगे शीश झुकाते हैं तो इससे धीरे धीरे आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं और साथ ही उस व्यक्ति के अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है जो उसे अपने जीवन में कामयाब बनाती है। नंबर दो, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उस व्यक्ति को रंक से राजा बना देती है, इसलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से माँ तुलसी की पूजा करता है तो उसे माँ तुलसी उसके किए का फल जरूर देती है। नंबर तीन, तुलसी के पौधे में जो व्यक्ति सुबह शाम दिया जलाता है उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है। नंबर चार, यदि आपका कारोबार कम चलता है या फिर आय का कोई स्रोत नहीं बचा है तो ऐसे में चिंता बिल्कुल भी ना करें। एक उपाय माँ तुलसी का मैं आपको बताती हूँ। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके एक लुटिया ले लें, उसमें पानी डाल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें और फिर उसको तुलसी के पौधे में डाल दें, इससे आपके सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लगातार ये एक महीने दो महीने तक करते रहिए, फिर इसका रिजल्ट देखिएगा। नंबर पाँच, जिस घर में नियमित रूप से माँ तुलसी की पूजा होती है उस घर में प्रेत आत्मा का साया भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि जहाँ पर पूजा पाठ होती है वहाँ पर पवित्रता छा जाती है। जो नकारात्मक नेगेटिविटी जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वे घर के आसपास भी नहीं दिखती, तो बुरी शक्ति उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती, सब कुछ अच्छा ही अच्छा ऐसे घरों में होता है। नंबर छः, अगर आपके घर में पैसे की तंगी रहती हो और जमा हुई जो आपकी जमा पूंजी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है तो आज ही तुलसी का पौधा अपने घर में लाएं और उसकी पूजा करें और फिर देखिएगा इसका चमत्कार। नंबर सात, विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ते का बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर आप के पास भगवान को भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे में आप केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, यह काफ़ी शुभ माना जाता है। वैसे तो सभी देवताओं की पूजा में तुलसी के पत्ते को प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता, तो भगवान शंकर और गणेश के आगे तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएँ।
नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो ऐसे में आप तुलसी के साथ पत्ते ले लें और साथ काली मिर्च ले लें, तो उसको मुट्ठी में ले लें, बच्चे के ऊपर से उबार लें, फिर उसको क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में, और फिर उसको कहीं बाहर जाके पौधे के नीचे डाल दें। इससे आपके बच्चे पर जो भी बला है वो टल जाती है। नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही बीमार रहता है तो शाम होने से पहले तुलसी के 4-5 पत्ते तोड़कर उस व्यक्ति के तकिए के नीचे रख दें और उसे सुला दें, फिर सुबह उठने के बाद उनमें से उस व्यक्ति को 2 पत्ते खिला दें और जो बचे हुए पत्ते हैं उनको कहीं बाहर ले जाके किसी पेड़ के नीचे डाल दें। इससे आपको धीरे धीरे असर दिखने लगेगा। नंबर 10, ज्योतिष के अनुसार तुलसी की माला पहनने से कुंडली के ग्रह बलवान हो जाते हैं और सभी प्रकार से उस व्यक्ति को फायदे मिलने लग जाते हैं। तुलसी की माला पर 2-3 दिन में गंगाजल के छींटे मार लें। इससे क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी गंदगी लगती है वो दूर हो जाती है और माला जो है वो पवित्र हो जाती है। नंबर 11, अगर आपके जीवन में प्यार की कमी है तो ऐसे में आप तुलसी की जड़ ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें और उसको गंगा जल से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसको छोटे से पीले कपड़े में बांध लें और बांध करके अपने पर्स में रख लें। इसको अपने हमेशा ऐसी जगह रखें जो आपके साथ रहता हो। तो मेरा मानना है कि अपने पर्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमेशा साथ रहती है, तो अपने पर्स में डाल लें, फिर आपका जो भी प्यार आपसे नहीं करते वो प्यार करने लगेंगे और आपका अगर प्यार छूट गया है तो वो दोबारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।